कौन समाज को बहुत भाव नहीं देगा एग्रेसिव, क्या समाज जाए भाड़ में, कोई जाके बोलेगा देखो जी पूरी जाति बिरादरी का कहना है, बोले भाड़ में जाओ, कौन बिरादरी, बड़ा बिरादरी वाले को, तो बिरादरी आएगी भाग जाएगी वहां से, भाग जाती है। जैसे हरियाणा, मैं तो वहीं से हूँ, तो खाप पंचायत का बड़ा खबरें पढ़ते होंगे आप अखबार में, खाप ये खाप वो, कुछ खाप पाप नहीं होता ज्यादा, लेकिन सुनते बहुत ज्यादा है। तो मुझे एक रियल एग्जाम्पल ध्यान है, हमारी स्टूडेंट IFS बनी, फॉरन सर्विस में गई, रैंक अच्छा था, पर उसने IAS के बाद IFS रखा हुआ था, फॉरन सर्विस में चली गई। वो थी हरियाणा से, मैं जिस जिले से हूँ उस जिले से ही थी, संयोग से गांव से थी, ठीक गांव से थी। और फिर उसने प्रेम विवाह किया एक IPS से, तो लड़का था उत्तर प्रदेश का, जाति भी अलग, और कोई ऐसा लिंक नहीं कि किसी तरह से सेट किया जा सके मामला, वरना लोग ऐसे कर, जैसे मान लीजिए लड़की क्षत्रिय है, लड़का यादव है, तो लोग क्या बोलते हैं यदुवंशी क्षत्रिय है ये, ऐसे करके सेट कर देते हैं। तो वहां तो सेट करने का कोई तरीका ही नहीं था, इतनी अलग जातियां थी, कोई सेट नहीं हो पा रहा था। तो मैं जिज्ञासु था ये देखने के लिए कि हमारा समाज कैसे रिएक्ट करता है इस मामले में। अब लड़की IFS है, लड़का IPS है, तो समाज ने कोशिश की। तो एक दिन उस शहर में पोस्टर लगे कि चौधरी साहब की लड़की ने सफलता हासिल कर ली, अच्छी बात है, लेकिन वो समाज के नियम नहीं मानेगी, ये नहीं होगा। तो चौधरी साहब की लड़की के इस कृत्य के विरुद्ध खाप बैठेगी इस दिन इतने बजे यहाँ पर, आप सब सादर आमंत्रित हैं और चौधरी साहब को आना होगा, उनसे बात की जाएगी। उनका सरनेम चौधरी था नहीं, मैं जानबूझ के बदल के बोल रहा हूँ कि चौधरी साहब को आना पड़ेगा। तो चौधरी साहब घबरा गए, खाप तो खाप है, खाप इज मोर देन बाप, तो खाप तो खाप। चौधरी साहब ने अपनी छोरी से पूछा, छोरी ट्रेनिंग पर देश के बाहर थी, फॉरेन सर्विस में थी, तो छोरी ने कहा कि पापा आप रहने दो मैं देख लेती हूँ, ये हरियाणा में ऐसी भाषा होती है, आप रहने दो आप रहने दो मैं देख लेती हूँ इनको। तो उसने क्या किया, अपने पति को बोला, वो पुलिस में था, उसने हमारे जिले के SP को फोन कर दिया कि भाई शादी हमारी हो रही है और खाप बैठ रही है, जरा देख लो इनको। तो जो पोस्टर था SP ने पोस्टर मंगवा लिया, उसमें जिन जिनका नाम था उनको बुलवा लिया अपने अपने पास, सीधे गांव से उठवा के नहीं बुला लिया। फिर बोला कि भाई ये पोस्टर छपा है, आप लोगों के नाम है, क्या मसला है, बोले हम तो है ही नहीं चाहिए। कोई और होगा। तो समझ गए, तो IAS IPS होने के बाद कोई जाति कोई धर्म तो बड़े बड़े 30 बार का हवा हो जाते उस समय, इसलिए कभी जीवन में ऐसा है ना, तो ये बन जाना है कि कौन खाप, बोलो जरा खाप वाले को। और SP ने ठीक से महसूस करवा दिया उसको, हमारा जिला थोड़ा सा कूल टाइप का जिला है, आप किस जिले से हैं? हाँ रोहतक से, रोहतक थोड़ा सा एग्रेसिव जिला है, हरियाणा में जो हरियाणा है उसका नाम है सोनीपत, भाव समझ गए आप लोग? जैसे ये जो भी एग्रेसिव व्यक्ति है और वो ठान ले कि खाप की या बिरादरी की जाति की ऐसी की तैसी, और थोड़ा सा दबंग हो, थोड़ी ताकत होनी चाहिए, बहुत कमजोर आदमी नहीं चलेगा, तो कोई नहीं पूछता उसके बाद समाज का दबाव। और उसके बाद धूमधाम से शादी हुई, उसी जिले में शादी हुई, और खाप वाले शादी में अटेंड करने के लिए SP ने कह दिया था कि जो शादी में नहीं आएगा मान लूंगा कि आप ही खिलाफ हो, सब आए, सब ने जीमा वहां जाके, जीमा समझते हो? खाना खाया मैं, मतलब जम के खाना, उसको तो जीमना, सब वहां जाके ठीक से खाना लाया। हरियाणा के आदमी के पास एक कम्बल होता है, शादी से लेकर मैया तक सब जगह वही कम्बल लेके जाता है, तो उसी कम्बल को लेके गए, अपना आराम से खाना वाना खा लिया और बढ़िया शादी ठीक तरीके से हो गई। एक ही होता है खेस कम्बल, कुछ कह लो, वो मतलब शुरू में सफेद होता है लेकिन वो धीरे धीरे रंगहीन गंधहीन स्वादहीन टाइप का हो जाता है। केमिस्ट्री में उसका अध्ययन होना चाहिए पर होता नहीं। एक तो पर्सनैलिटी, दूसरा देखिए क्या होता है कि बच्चे जब बड़े हो रहे होते हैं तो उनमें से कुछ बच्चे होते हैं जो गोलू हो जाते हैं। गोलू समझ रहे हैं? गोलू बच्चा वो है जो होमवर्क अपने आप कर लेता है, उसकी पहली पहचान ये है। हाँ सुबह उठा, पेरेंट्स ढूंढ रहा है, पैर छूने कहाँ पर है। स्मार्ट बच्चे क्या करते, मिलेंगे तो छू लेंगे, नहीं तो आओ छुआ लो भाई, हम कहाँ का ढूंढेंगे आपको।
तो गोलू बच्चा होता है जो सारे अच्छे काम करना चाहता है, अपनी माँ की आंखों का तारा, पापा की आंखों का तारा, ऐसे जो बच्चे होते हैं ना, स्कूल जाते टीचर की आंखों के तारे, हाथ पे रोज चार बनवा के लाते हैं, उनके पेरेंट्स के पास कभी शिकायत नहीं आती, वैसे वाले बच्चे होते गोलू। गोलू को अंग्रेजी में बोलते कंफर्मिस्ट, सेंट्रो नहीं बोलते इंग्लिश में, कहीं आप गोलू को गोल से सेंटर करके सेंट्रो कर गए, है ना। गोलू होता है कंफर्मिस्ट, यानी वो हर नियम, हर आदेश, हर निर्देश का पालन करना पसंद करता है। जो टीचर ने कहा ब्रह्म वाक्य, जो पेरेंट्स ने कहा अंतिम वाक्य है, उसको ठीक से मानना है, मनसा वाचा कर्मणा, वो बच्चा हुआ गोलू। और दूसरा बच्चा होता है विद्रोही, रिबेल, REBEL, या रिबेलियस, जो पैदा ही विद्रोह करने के लिए हुआ है। आप उसे कुछ भी सिखाएंगे, अच्छी बात भी, विद्रोह कर देगा उसके खिलाफ, क्योंकि उसको अपनी स्वाधीनता बहुत प्यारी है, उसे कोई भी चीज थोपी जाए तो पसंद नहीं आती है, उसे खुद समझ में आएगा तो ठीक है, अगर आप थोपेंगे तो नहीं स्वीकार करेगा। अब आप मुझे ये बताएं कि जो बच्चा बचपन से गोलू किस्म का है, उसकी अभिवृत्ति सामान्यतः सामाजिक प्रभाव को लेकर, सामाजिक परंपराओं को लेकर सकारात्मक होती है, नकारात्मक होती है? सकारात्मक। तो कुछ बच्चे, अब गोलू लिख नहीं सकते इसको, है, तो कुछ बच्चे जो सामाजिक ढांचे के प्रति सकारात्मक रहते हैं,